वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे 2 अगस्त 2019 सी प्लान का एम टेस्ट पेपर जो आने वाला एम टेस्ट या रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल विथ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड। भारत के नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में समान अधिकार दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में पक्षपातिता नहीं किया जा सकता है। यस, भारतीय संविधान के किसके धारा के मुताबिक कहना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 15 के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक के साथ पक्षपातिता नहीं करा जा सकता है, सभी आईन अनुसार समान होते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर फाइव रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ किसके साथ संबंधित है? ना ऑप्शन नंबर डी कॉटन। सिल्वर फाइव रिवोल्यूशन कॉटन सहित से संबंधित है, याद रखे। और एग्जाम में भी आ चुका है गोल्डन फाइव रेवोल्यूशन मीन्स जूट के सहित जूट होता है, लेकिन सिल्वर फाइव कॉटन से संबंधित होता है। नेक्स्ट, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ, जो भारतीय समय किसके मुताबिक मेजर किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर। जो मिर्जापुर का क्लॉक टावर होता है, इसके अनुसार भारतीय समय गणना किया जाता है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग द फास्ट इंडियन वुमेन टू स्विम क्रॉस द इंग्लिश चैनल, इनमें से कौन प्रथम भारतीय महिला है जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आरती शाह, पहली भारतीय महिला थे जो इंग्लिश चैनल को स्विमिंग करके क्रॉस किया था। नेक्स्ट, द नेम ऑफ यूटीआई बैंक वार्ड्स चेंज्ड इन टू डैश इन 2007। 2007 में यूटीआई बैंक के नेम चेंज होकर क्या रखा गया था? ना ऑप्शन नंबर डी एक्सिसी बैंक। 2007 में यूटीआई बैंक को एक्सिसी बैंक के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट, व्हिच पार्टी गवर्नमेंट अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1978। 1978 में किसी भी सरकार ना जनता पार्टी के द्वारा सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन गठन किया गया था। नेक्स्ट, हुई इज द एटर ऑफ बिकमिंग, जो बिकमिंग पुस्तक है उनका लेखक कौन था? ना मिशेल ओबामा इस पुस्तक का लेखक थे। मिशेल ओबामा आप जानते हैं जो बराक ओबामा का पत्नी है। नेक्स्ट, ब्लू जॉय और इंडियन रूलर इज द स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मेनी इंडियन स्टेट? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4। ब्लू जॉय और इंडियन रूलर 4 राज्यों का स्टेट बर्ड होता है। नेक्स्ट, द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया, याद रखिए इसको सिलिया हम कहते हैं, जो अपर पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का है इसको हम सिलिया कहते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को 2018। 2018 मसीहा में किसी को यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था? ना ऑप्शन नंबर बी द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इन असेंबलीज ऑफ मुंबई, मुंबई का इसको 2018 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेस एक्सप्लोजन इन कोल माइंस, जो कोल्स माइंस होता है जो कोयला खदान में, किस गैस के कारण विस्फोटक होने का संभावना है? ना सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मिथेन, जो मिथेन गैस है, मिथेन गैस के द्वारा कोयला खदान में विस्फोट हुए है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी ऑफ इंडिया 2017 to 2018। 2017-18 में जो भारतीय जीडीपी में एग्रीकल्चर का अवदान कितने था? ना 0.154 एग्रीकल्चरल का अवदान था। नेक्स्ट, पीन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, सॉरी फ्रेंड, पीन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन नीस। पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित होता है? ना सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश पर पीन वैली नेशनल पार्क अवस्थित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भवाई इज ए फॉक डैश ऑफ हुज स्टेट, जो भवाई एक लोक नृत्य होता है किस राज्य का? ना ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का एक लोक नृत्य होता है भवाई, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, हुज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया, भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था, ब्लू रेवोल्यूशन का जनक किसको माना जाता है? ना ऑप्शन नंबर सी हीरालाल चौधरी को भारत का ब्लू रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, दिव्येंदु बारुआ इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, दिव्येंदु बारुआ
किस खेल से संबंधित होता है ना, ऑप्शन नंबर ए चेस से संबंधित होता है। दिव्यंतु बारुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इनमें से कौन न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रामागुंडम। रामागुंडम जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं होता है, बाकी तीनों न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है। नेक्स्ट, व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, जो भारत छाड़ आंदोलन कब शुरू किया गया था ना, ऑप्शन नंबर बी 1942 1942 में, ये भी याद रखे अगस्त 8 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल बिल्ड बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टिक, जो राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा किस मंदिर को निर्माण किया गया था ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कैलाश टेम्पल को राष्ट्रकूट के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, व्हिच फील्ड इन सरस्वती सम्मान अवार्डेड इज गिवेन, जो सरस्वती पुरस्कार होता है उन इस पुरस्कार को किसी क्षेत्र में दिया जाता है ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लिटरेचर क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है सरस्वती सम्मान को। नेक्स्ट, नेम ऑफ इंडियन स्प्रिंटर हु ओन गोल्ड मेडल इन वुमेन 100 मीटर इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 30th समर यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन नेपल्स इटाली, इटाली में जो 33वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल आयोजन हुआ है, इसमें से कौन गोल्ड मेडल भारत से जीता था ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर दुति चांद भारत से जीता था, जो पहले महिला बन गए भारत तरफ से। नेक्स्ट, डैश इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लैनेट लाइक मोसेस दैट ग्रो इन मोस्ट ह्यूमिड एनवायरमेंट्स, डैश इज स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लैनेट, जो पुराना रॉक विषय हम अध्ययन करते हैं लाइक मोसेस, मोसेस मीन्स जो आर्द्रता दैट ग्रोज मोइस्ट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट्स, जो आर्द्रता पूर्ण एरिया में बाधित होता है, इसको हम क्या कहते हैं ना, ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी हम इसको कहते हैं ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट, व्हिच फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी किस कमिटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सोनसिंह कमिटी, सोनसिंह कमिटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंडेशन किया गया था। नेक्स्ट, हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीबादी खान, अलीबादी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बने थे ना, सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला अलीबादी खान के बाद बंगाल का नवाब बने थे। नेक्स्ट, हु इज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता हम किसको कहते हैं ना, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को हम भारत का तोता कहते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूरी प्रेस कीजिए ताकि आने वाला इसी तरह न्यू वीडियो आपको पहले मिल सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।